हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपियर करेंगे, फ्रेंड्स आप सभी के असाइनमेंट अभी मार्च और अप्रैल के महीने में जमा होंगे। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए इग्नू की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से जमा करने हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको टाइम टाइम पे इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। हो सकता है कि आज की इस वीडियो में हम जिस रीजनल सेंटर के बारे में बात करेंगे वो आपका रीजनल सेंटर ना हो, लेकिन आपके रीजनल सेंटर की तरफ से भी कुछ इसी टाइप की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और उस टाइम पे आपके पास में वक्त नहीं होगा। तो अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने असाइनमेंट उस टाइम पे इजीली जमा करवा पाएंगे। सो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 6 महीनों में जमा किए हैं, तो आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को चेक कर लीजिए। अगर आपका सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं किया गया है तो आप अपने कंसर्न स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बोलिए कि आपका सबमिशन स्टेटस अपडेट कर दिया जाए, अदरवाइज आपको अपने असाइनमेंट फिर से जमा करवाने पड़ सकते हैं। दोस्तों अभी हम उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उस रीजनल सेंटर के बारे में बात करेंगे जिसकी तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। सो फ्रेंड्स, ये है दिल्ली 3 रीजनल सेंटर जिसकी तरफ से जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आप डायरेक्टली अपने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले बताया गया है कि आप अपने असाइनमेंट रीजनल सेंटर की जो ईमेल आईडी है उस पर जमा नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि आपको अपना असाइनमेंट सिर्फ एक ही बार जमा करना है, बार बार जमा नहीं करना। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि आप जो पीडीएफ अटैच करेंगे उसमें कोई पासवर्ड वगैरह ना लगाएं, वो इजीली एक्सेसिबल हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा दें और फिर बाद में आपका असाइनमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट ना किया जाए। पॉइंट में दिया गया है कि आपने अगर अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए पहले ही सॉफ्ट कॉपी जमा करवा दी है तो फिर से हार्ड कॉपी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी हार्ड कॉपी जमा ना करवाएं, हार्ड कॉपी अपने पास में सुरक्षित रखें। यहीं पे ही आपके असाइनमेंट के मार्क्स के बारे में भी बता दिया गया है कि जब जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसी टाइम पे आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दो लिंक अभी फिलहाल एक्टिव किए गए हैं। पहला लिंक दिया हुआ है स्टडी सेंटर लिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022, और सेकेंड वाला जो लिंक है वो दिया गया है फॉर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। सो आप चाहें तो यहाँ से अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से डाउनलोड करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हैं जिन्हें अपने सोल्ड असाइनमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उनको हम क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप सोल्ड असाइनमेंट्स चाहते हैं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे फोर असाइनमेंट क्वेश्चन को क्लिक करके और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम सिग्नो की तरफ से करवाए जाते हैं उन सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के लिए लिंक दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने असाइनमेंट्स को सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए आप वन साइड रूल पेपर या फिर A4 शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अपने असाइनमेंट्स बनाने के बाद में आपको अपने असाइनमेंट जमा कैसे करने हैं इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उनके असाइनमेंट सबमिशन के लिए लिंक दिया हुआ है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों जब आप अपने असाइनमेंट बना लेते हैं, उसकी पीडीएफ बना लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऐसे मोबाइल्स होते हैं जिसके अंदर की गूगल फॉर्म का लिंक ओपन नहीं हो पाता है, कई बार आपको इसमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहें तो किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। जनरली लैपटॉप में ये बहुत ही इजीली ओपन हो जाता है, तो आप चाहें तो वहाँ से अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं, या फिर जब भी आपके स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से ऑफलाइन असाइनमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे तो आप अपने असाइनमेंट
हार्ड कॉपीज भी जमा करवा सकते हैं। जैसे कि जितने भी स्टडी सेंटर्स दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के अंडर आते हैं उन सभी का नाम इसी लिस्ट में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जिन्हें कि बंद कर दिया गया, जिसमें उर्वी विक्रम नेशनल सेंटर फॉर एडोलसेंट्स सेकंड दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल, थर्ड है ग्रेट मिशन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोर्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, नेक्स्ट है साई राम फाउंडेशन और फिर लास्ट है ए क्यूब सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ये जितने भी स्टडी सेंटर्स जिनका मैंने अभी नाम बताया इनको इग्नू की तरफ से बंद कर दिया गया, और इनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने असाइनमेंट कहाँ पे जमा करने हैं इसके लिए भी ये जो टेबल बनाई गई है इसी में बताया गया है। बीए के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पे अलग से स्टडी सेंटर कोड दिया हुआ है, बीएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए अलग से। सो जो यहाँ पे स्टडी सेंटर कोड न्यू वाला दिया हुआ है वहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट्स सबमिट करने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए इग्नू स्टडी सेंटर 0737, इस कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये गूगल फॉर्म जारी किया गया है। इसमें आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। यहाँ पे आपको अपनी सभी डिटेल्स फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट पेज में जो भी आपकी डिटेल्स मांगी गई होंगी वो सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में लास्ट में आप अपनी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। दोस्तों आपके हर एक स्टडी सेंटर की तरफ से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सो आप उन्हें पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उसके बाद में ही अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक दूसरा स्टडी सेंटर का जो लिंक दिया हुआ है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। जैसे कि उस स्टडी सेंटर में आपको एक एक करके अपने असाइनमेंट अपलोड करने थे, लेकिन स्टडी सेंटर 0709 आर्यभट्टा कॉलेज इनकी तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए सिंगल पेज बनाया गया है जिसमें आपकी सभी डिटेल्स आपको फिलअप कर देनी है और आपके असाइनमेंट्स की जितनी भी अलग अलग पीडीएफ है वो सभी आपको एक ही बार में अपलोड कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स में जो फ्रंट पेज रहेगा उसमें आपकी सभी डिटेल्स लिखी होती हैं, जिसे आप फ्रंट पेज बोलते हैं या कवर पेज बोलते हैं, वो किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। सेकेंडली आपको यहाँ पे अपना इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसका एक जीरोक्स लगाना होगा, थर्ड पेज आपका क्वेश्चन पेपर होगा और फोर्थ पेज से फिर आपके जो भी आंसर्स हैं वो लिखे होंगे, और जो मैक्सिमम साइज़ दी गई है वो है 20 MB। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी अलग अलग पीडीएफ हैं जितने भी कोर्स कोड हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं और पीडीएफ को अपलोड कर देना है। इस तरीके से मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पे 10 तक बनाया हुआ है, 10 असाइनमेंट्स आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं। कोई ऐसा अगर स्टूडेंट है जिनके 10 से ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं तो इसके लिए भी आप यहाँ पे लास्ट में फिर से ऐड कर सकते हैं और उन सब्जेक्ट को भी इसी के साथ में जमा करवा सकते हैं। ये सब अपलोड होने के बाद में लास्ट में दिया हुआ है सबमिट, आप सबमिट को क्लिक करके और अपने असाइनमेंट्स को सक्सेसफुली जमा करवा पाएंगे। इसी तरीके से आपका जो भी स्टडी सेंटर है आप उसे चेक करेंगे और उसके सामने अगर मेल आईडी दी हुई है तो आप अपने असाइनमेंट्स मेल कर देंगे। अगर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है तो आप उसे ओपन करके और अपने असाइनमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्हें आप ज़रूर ध्यान रखें। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने भी कॉलेजेज हैं उनकी सबकी तरफ से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।